आप देखिए, ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए आज बनाते हैं एक बहुत ही फेमस अमृतसरी लेयर्ड समोसा। आप लोगों में से जो लोग अमृतसर गए हैं उन्होंने जरूर उसको खाया होगा। वो लेयर्ड समोसा वहाँ पे छोले और इमली और प्याज की चटनी के साथ सर्व किया जाता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। एक तरीके से वो हमारे यहाँ मिलने वाली पफ पेटी जैसा ही होता है। चलिए तो एक बार में आप दो चीजें सीख लेंगे, इंडियन पफ पेटीज या अमृतसरी लेयर्ड समोसा। उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 1.5 कप मैदा। इस मैदा में मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें बहुत ज्यादा ऑयल नहीं जाएगा, जैसे कि आमतौर पे हम समोसे वगैरह की मैदा मलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसका एक डो बना लेंगे। 1.5 कप मैंने मैदा ली है, उसके साथ मैंने करीब 1/2 कप पानी लिया है, लेकिन पानी में सारा एक साथ नहीं डालूंगी। नमक और ऑयल को मिक्स करने के बाद धीरे धीरे करके मैं इसमें पानी डालूंगी। आप ऑयल की जगह चाहें तो अंदर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक टाइट सा डो बना लेना है, जिस तरीके से आमतौर पे हम समोसे का डो बनाते हैं। डो हमारा तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे करीब 1/2 कप पानी लिया था, जिसमें से 1.5 टेबल स्पून पानी हमारा बच गया है। इसे हम एक तरफ रख देंगे और करीब 20 से 25 मिनट तक डो को रेस्ट करने देंगे। डो हमारा रेस्ट कर रहा है। चलिए इतने हम एक पेस्ट तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे करीब 1.5 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च या फिर मैदा भी ले सकते हैं। उसमें मैं करीब 1.5 टेबल स्पून घी डाल दूंगी और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अगर जरूरत लगेगी तो थोड़ा सा घी और डालेंगे, क्योंकि पेस्ट को हमें थोड़ा सा लिक्विडी बनाना है। करीब 2 टेबल स्पून घी लगा इसमें और ये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके का पेस्ट हमें चाहिए। चलिए अब कुछ फिलिंग के लिए बनाते हैं। फिलिंग में आप चाहें तो आलू मटर की फिलिंग बना सकते हैं। जिस तरीके की फिलिंग आपको पसंद हो आप उस तरीके की बना सकते हैं। आज हम बनाते हैं पनीर और आलू की एक फिलिंग। चलिए देखते हैं उसे हम कैसे बनाने जा रहे हैं। पनीर और आलू वाली फिलिंग बनाने के लिए मैंने पनीर और उबले हुए आलू के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसमें मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, इसी तरीके से हाथ से मिलाते हुए। साथ ही साथ ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से कॉर्न स्टार्च इसमें मिक्स हो गया है। अब एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इस ऑयल में हम ये पनीर और आलू के पीसेस डाल के थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे। इसी तरीके से उलट पलट के दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लेना है हमें। ताकि एक अच्छी सी फिलिंग हमारी तैयार हो जाए हमारे लेयर्ड समोसों के लिए। आलू और पनीर बहुत अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें पैन से निकाल लेंगे। इसी पैन को हम दोबारा हीट पे रख देंगे। इसमें अभी थोड़ा सा ऑयल बचा है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज, जो कि मैंने बारीक बारीक काट रखी है। ये मेरे पास हरी प्याज थी जिसके पीसेस कर लिए हैं। आपके पास नॉर्मल प्याज हो आप उसको काट के ले सकते हैं। इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। इन्हें भी इस प्याज के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है इसका हमें, बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए प्याज का कितनी देर से हम भूनेंगे।
अब हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने यहाँ एक छोटी शिमला मिर्च ली है काट के, उस शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे। आप अपनी पसंद की फिलिंग बना सकते हैं। इस शिमला मिर्च को भी डाल के भून लेंगे करीब 1 से 2 मिनट तक, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और प्याज का कच्चापन भी निकल जाए। इन्हें भूनते हुए करीब 1 मिनट हो गया है, इसमें ऐड करते हैं थोड़े से मसाले। सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। इन सबको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम अपने आलू और पनीर जो कि हमने फ्राई कर लिए थे वो ऐड कर देंगे। आलू और पनीर ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली सॉस। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे करीब 1.5 चम्मच टमाटो केचप, एक छोटी चम्मच विनेगर। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्लेम को थोड़ा तेज कर देंगे क्योंकि फिलिंग हमें थोड़ी ड्राई बनानी है ताकि सारा सोक कर ले ये पनीर और आलू इस ग्रेवी को जो कि सॉसेज डालने से बनी है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ग्रीन अनियन का या स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट। अगर आप नॉर्मल प्याज का यूज कर रहे हैं तो आप धनिया डाल दीजिएगा इस समय पे और अच्छे से भून लेंगे इस सबको। लीजिए, फिलिंग भी हमारी करीब करीब तैयार है, आप देखिए ये ड्राई होने लगी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब इस फिलिंग को रखते हैं एक साइड में। यहाँ पे हमने थोड़ी सी सूखी मैदा भी ले ली है और डो को रेस्ट करते हुए हमारे करीब 20 से 25 मिनट हो गए हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं और थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ बना लेंगे हम इसकी लोइयां। कोशिश करेंगे एक ही साइज की बने। इस तरीके से सॉफ्ट करके इन्हें एक बर्तन में रखते चले जाइए। सारी लोइयों को इसी तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे। लोइयां हमारी तैयार हो गई हैं। लोइयों को ढक के रख देंगे और एक लोई निकाल लेंगे। इसे थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे और बिल्कुल पतली सी एक पूरी बेल लेंगे इसकी। पूरी बिल्कुल पतली ही बेलनी है। सूखा आटा लगाते हुए इसे बिल्कुल पतला बेलते चले जाएंगे और कोशिश करेंगे इसे लंबा या स्क्वायर शेप में बेलने की, ज़्यादा गोल ना बने क्योंकि हमें इसके पीसेस निकालने हैं। इस वजह से अगर आप चाहें तो ये काम किसी स्लैब वगैरह पे रख के भी कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा अच्छा तरीके से होगा। लेकिन चलिए हम यहाँ चकले पे ही बेलते हैं। पतली सी पूरी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, अब हम इसको एकसार कर लेंगे। आप चाहें तो किसी स्केल की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं और नहीं तो अंदाजे से ही किनारों से काटते हुए इस एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे। ये बेकार नहीं जाने वाला है, ये भी एक और समोसा बन जाएगा सारे पार्ट्स मिला के। इसी तरीके से इस साइड से भी ले लेंगे और इसी तरीके से नीचे से भी ले लेंगे। अब हम इसके 4 पार्ट कर देंगे। इन 4 पार्टों को उठा के हम अभी किसी गीले कपड़े से ढक के रख देंगे
जब तक कि सारी लोइयां हम नहीं बेल लेते। इस तरीके से उठा के और इन्हें एक गीले कपड़े से ढक के किसी प्लेट में रख देंगे ताकि ये सूख ना जाए। हल्का सा गीला कपड़ा इनके ऊपर डाल देंगे और बाकी की पूरियां भी इसी तरीके से बेल लेंगे हम। सारे समोसे हमने बेल के काट लिए हैं, आप देख सकते हैं, और इन्हें ढक के रख देते हैं बाकियों को। अब हम सबसे पहले एक समोसे की परत लेंगे और उस पर जो हमने घी और चावल के आटे से पेस्ट बनाया था उसको अच्छे से अप्लाई कर देंगे। इसको अच्छे से अप्लाई करके हम एक परत इसके ऊपर रख देंगे। इस पर भी हम अच्छी तरीके से इस पेस्ट को अप्लाई कर देंगे ताकि हमारी जो पेटीज़ हैं वो बहुत क्रिस्पी बने, फ्लफ़ी बने और उनमें अच्छी सी लेयर्स आएं। इसके बाद हम तीसरी लेयर भी इसी तरीके से लगाएंगे और उसके ऊपर भी पेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। ये हमारी लेयर्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम ये पेस्ट लगाने में कोई भी कंजूसी ना करें। अब हम अपनी आखिरी लेयर इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर भी इस पेस्ट को अप्लाई कर देंगे। मैं आपको एक समोसा पूरा बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो आगे कभी समोसा बनाने में। अब इसको हम इस तरीके से सेट कर देंगे और जो फिलिंग हमने बनाई है अपनी पनीर और आलू वाली, उस फिलिंग को हम इस समोसे के ऊपर रख देंगे, सेंटर में रखेंगे और कुछ इस तरीके से रखेंगे कि हमें कोई फोल्ड करने में परेशानी ना हो। समोसे को फोल्ड करेंगे और फिलिंग वाली साइड से अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए ताकि ये फिलिंग हमारी समोसे की लेयर बनने के बाद भी बिल्कुल ना निकले। अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए इसे और किनारों से हम दबा देंगे। आप देखिए हमारा समोसा काफ़ी बड़े साइज का बना है और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको काट देंगे एक बिल्कुल फाइन शेप देने के लिए। आप पिज्जा कटर की हेल्प से या चाकू की हेल्प से काट सकते हैं इसको और आप देखिए इसकी शेप बिल्कुल अच्छी हो गई है और तैयार हो गया है हमारा लेयर्ड समोसा। इसी तरीके से हम अपने सारे समोसे बना लेंगे। छह समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो 5 से 7 घंटे भी इन्हें फ्रीज में रख सकते हैं, उसके बाद फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें आधे घंटे फ्रीज में रखेंगे और उसके बाद इन्हें फ्राई करेंगे। करीब आधा घंटा हो चुका है, हमने इन्हें फ्रीज में से निकाल लिया है और अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमें मीडियम चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं और बहुत हल्का भी नहीं। अगर बहुत हल्का होगा तो ये घी को पीने लगेंगे। एक बार में हम 3 समोसे डालते हैं और इन्हें फ्राई कर लेते हैं। आप देखिए इनकी लेयर्स खुलने लगी हैं। अच्छे से इन्हें गोल्डन होने तक हम सेक लेंगे। चलिए अब इनको पलट के देखते हैं। इन्हें सिकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1.5 से 2 मिनट ही लगते हैं एक समोसे को सिकने में। आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं लेकिन बेक होने में टाइम काफ़ी लगता है। बेक करने के लिए हमें 200 डिग्री पे करीब 10 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट करना होगा और उसके बाद करीब 20 से 22 मिनट तक इन्हें हम बेक करेंगे। उसके बाद ये तैयार होंगे, लेकिन तल के ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और फिर आज हम लेयर्ड समोसे बना रहे हैं, पेटीज बनाएंगे तो उसको निश्चित ही हम बेक करेंगे। हमारे समोसे पे बहुत अच्छा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। केवल 2 मिनट लगे इन समोसों को सिकने में। लेयर्स आप देख सकते हैं कि एक एक लेयर अलग हो गई है। बाकी के समोसे भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। हीट स्लो नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं रखनी है, मीडियम हीट पे ही हम इन्हें सेकेंगे। अमृतसरी लेयर्ड समोसा हमारा तैयार है। आपने देखा एक एक लेयर कितनी अच्छी तरीके से आई है। एक तरीके से लेयर्ड समोसा या इंडियन पफ पेस्ट्री भी कह सकते हैं आप इसको। अमृतसर में इसे छोले और इमली की प्याज वाली चटनी के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन अगर आप बच्चों को पेस्ट्री की तरह देना चाहते हैं तो टमाटो केचप के साथ भी दे सकते हैं। चलिए मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ ये कैसे बने हैं।
आप देखिए, ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। एक एक समोसा इसी तरीके से क्रिस्पी बना है। अंदर की फिलिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।